यहां पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। नगर उटारी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की संभावित प्रत्याशी नेहा कुमारी अपना धुआंधार चुनावी अभियान चला रही हैं। रविवार की सुबह से ही वे टीकर, रक्षा, चेचरिया सहित कई गांवों का दौरा कर लोगों से जन समस्याओं के बारे में अवगत हुई। नेहा कुमारी ने बताया कि अधिकांश जगहों पर रोड, नाली और बिजली की समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं से जनता को निजात दिलाना उनकी प्रथम प्राथमिकता होगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान उषा देवी, श्रवण दास, पुष्पा देवी, कांति देवी सहित काफी संख्या में उनके समर्थक उनके साथ चल रहे थे। वे लगातार जनता का भरोसा जीतने का प्रयास कर रही हैं। जनता भी उन पर विश्वास जताते हुए नजर आई। और नालियां हर जगह खुली दिखाई दे रही हैं, नालियां ढकी हुई नहीं हैं। बच्चे शिक्षा के अभाव में इधर से उधर घूमते नजर आ रहे हैं। युवा बेरोजगार सड़कों पे नजर आ रहे हैं। मैं स्त्रियां घर में तो हैं लेकिन बिना रोजगार के हैं। पढ़ी लिखी स्त्रियां भी चार दीवारी के भीतर नजर आ रही हैं, उनको रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और राशन कार्ड सभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल है भी तो सभी लोगों को राशन समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस तरह की कई समस्याओं से लोग यहाँ जूझ रहे हैं। बिजली के यहाँ पे बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है। दिन भर में 24 घंटे में मात्र 2-4 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पाता है। इसकी वजह से गरीबों को छतों पे सोना पड़ रहा है। बिजली के अभाव में लोगों को छत पे सोने पे मजबूर होना पड़ रहा है। गरीब गली में सो रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए बिजली उपलब्ध ना हो पाने से उन लोग अपनी पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।